अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समर मलिक, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए, आगे जैद वेट कर रहा है, जैद को पिकअप करना। तो एग्ज़ाम चल रहा है, जगन्नाथपुर में काफ़ी फोर्स दिया गया है कि शांतिपूर्व एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। मौसम देख सकते हैं, मौसम भी काफ़ी सही है, धूप नहीं है, ऐसे मौसम में घूमने का मज़ा ही अलग है भाई। ये देखो जो बाबू शो ना करता हुआ लग रहा है, मुस्कुरा रहा है, यही है शायद। अस्सलाम वालेकुम जैद, कहाँ चला जाए, कहाँ चला जाए, तो कहीं भी चलो ना बे, इसका जवाब मिला। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग जाएंगे उत्तर जाए कुछ फोटो शोटो उठाने के लिए। सीन बहुत ज़बरदस्त, बप्पी था हेयर कटिंग स्टाइल, थोड़ा सा हवा तूफान भी चल रहा है, मौसम भी काफ़ी सही है। जैद को बनाना था एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो, कहाँ क्या चल रहा है भाई, अच्छा। तो जैद को बनाना था छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो, तो बस इसीलिए जैद का डिमांड था कि भाई थोड़ा वीडियो बना दे। यार देखो, आप देख सकते हैं कि पेट्रोल नहीं है यहाँ पर, एक बहुत ज़ोर रूमर्स उड़ रहा है और वो ये है कि अपने इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कुछ कमी सी हो गई है, काफ़ी पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके हैं। अपनी जगन्नाथपुर में डीजल बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, और दो दिन पहले तक तो पेट्रोल भी मिल रहा था और डीजल भी मिल रहा था, बट कल सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल मिला, और आज तो पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, डीजल भी नहीं मिल रहा। तो अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि सच में पेट्रोल डीजल ख़त्म हो चुका है, नहीं मिलेगा या कब तक मिलेगा, ऐसा कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, घबराने की बात नहीं, मिलेगा। या फिर अगर नहीं मिलेगा तो बता सकते हो थोड़ा उड़ो कम, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, दोनों बात बता सकते हैं भाई। आप देख रहे हो बंद पड़ा होगा, डीजल भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया भाई, अचानक से पेट्रोल बंद कैसे हो गया, अचानक से डीजल पेट्रोल ख़त्म कैसे हो गया, ताजुब की बात है। अगर सरकार भाई कुछ करो, हम लोग कैसे घूमेंगे भाई, अगर तेल नहीं मिलेगा तुम लोगों को, वीडियो शूट कैसे बनाएंगे। कौन बोला तुमको नेक्स्ट आइडिया ये वाला, कुछ कांड उड़वा क्या इस तरफ, जैदान बोला देखते हैं, जैदाद बोला देखते हैं, काची बोला टिल्ला। तो हम लोग जाते जाते ना बस एक टीला सा दिख गया, हम लोग चूल चले उसको ढूंढने का, चेक करने का, फिर वो है क्या, इतना बड़ा चूड़ी का घर, ये अपना साथी है, ये ट्राइपोड है, तो कोई आदमी नहीं रहता है ना तब ये काम करता। अरे देख रहे हो, ये है चूड़ी का घर, हाइट कितना, जैद यहाँ पर खड़ा हो आके जैद देखते कितना बड़ा है, 6 फीट का होगा ना सर। देख रहे भाई, ये चूटी लोग अपने लार्वा से ना कि सलाइवा से, अपने लार्वा से देख रहे इतना ऊंचा घर बना दिया है। जैद सर सामने खड़ा हो तू, जैद का हाइट कम से कम बोलता है 5.5 होगा, तो जैद से भी ऊंचा 6 फीट का। देखो ये 6 फीट का जो टीला है ना, वो अपने थूक से बनाया, अगर तुमको दिख रहा तो देखो, ये पहले गीला रहता है, धीरे धीरे वो हार्ड हो जाता है ना, ज़बरदस्त। अगर इसको एक पंच मारेंगे तो ये टूट जाएगा, मगर अंदर में छोटे लोग घर है, नहीं चाहते किसी को घर से बेघर करने के लिए, जंगल एरिया ना पूरा सर, तो नक्सलाइट भी होगा इसमें, इसलिए जैद की हालत ख़राब है। जैद तो कहना कि ये एरिया नक्सलाइट वाला, ज़्यादा टाइम स्पेयर नहीं करने इस जगह पर, जल्दी से अच्छी फोटोज़ उठा करके हिल लेने का इस जगह से। साथ में हम अपना ट्राइपॉड ले लिया था, कि ट्राइपॉड पर रख के फोटो क्लिक करने से क्या ना, वो ज़्यादा शेक नहीं होते, अच्छी फ़ोटो उठती है इससे। तो ये है झारखंड का इनसाइड एरिया, झारखंड में हर तरफ तुमको झाड़ ही झाड़ दिखेगा, इसलिए इसको झाड़खंड कहा गया। तो हम लोग ना नीचे चलते हैं, तो लग रहा है कोई पार्टी वार्टी चल रहा, लोगों को काफ़ी हजूम है इस जगह पर, ये मस्त जगह है यहाँ पर, यहाँ फ़ोटो लेने के लिए ना एक नंबर है। तब तक हम लोग कुछ फोटोज लेते हैं, तब तक आप लोग टाइम लैप्स का मजा लीजिए। We'll be right back.
तो अच्छी खासी यहाँ से फ़ोटो उठाने के बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो एक और सीन मिल गया, उस जगह पे जाके हम लोग फ़ोटो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। गाड़ी आगे जाएगा, वो उस तरफ से जाएगा, उस तरफ से जाएगा गाड़ी। देखो ये जो है ना, ये एकदम प्योर जंगल है। इस जगह पे ना किसी का आना ना किसी का जाना। देखो पेड़ गिरा हुआ, किसी को काटने की फुर्सत नहीं है भाई। तो हम लोग बड़े बड़े पेड़, देखो कितने मोटे मोटे पेड़ हैं यार। तो इस जगह पे फोटो हम लोग कुछ उठाने की कोशिश करेंगे। देख रहे हो, बस जहाँ तक नजर डालो जंगल ही जंगल है। तो यहाँ पर कुछ फोटो लें। यार लोकेशन कैसा, ये वाला कैसा लग रहा है ये वाला? तो देख रहे हो ये पूरा गिरा हुआ पेड़ है, बाप रे बाप। सो काटा नहीं, भी अपने से गिरा, और हमको लगता है करीब करीब नहीं है 3-4 साल से ज़्यादा हो गया तब पेड़ गिरा हुआ, क्योंकि छोटा छोटा इसमें से देखो निकल गया ढेर सारा पेड़। इस जगह पे हम लोग लेना चाहेंगे कुछ फोटोज़। तो बाइक को लगा देते, अपना स्टैंड इधर तैयार हो गया, कैमरा स्टैंड। ये है आज के हमारे फोटोग्राफर, बहुत महंगे फोटोग्राफर जो बैंगलोर से बुलाए गए हैं। तो बाइक को लगा देंगे इस तरफ, हम बैठ जाएंगे इस पेड़ पर, देखते हैं कैसा फोटोज आएगा। वो जो सिनेरियो जो है यहाँ पर बड़ा ही सिनेमैटिक है, देख रहे हो पत्ता वत्ता सब गिरा हुआ है, जबरदस्त आता है भाई यहाँ पे फोटो। पेड़ भी गिरा हुआ है, एकदम प्योर जंगल है भाई। तो देखो इस जगह पे हम लगाए थे फोटो शूट के लिए, काफ़ी अच्छी अच्छी फोटोज उठाया हमने, गोप्रो से भी काफ़ी शूट किया। ये जंगल एरिया है, अगर कभी छुट्टी मिले तो इस जगह पर कभी ज़रूर आना। ये जगन्नाथपुर से गिर की 2.5 से 3 किलोमीटर अंदर की जगह। ये देख रहे हो पेड़ बड़े भी गिरा हुआ है, छोटे छोटे के लिए ये जगह बहुत सही है भाई। अपने बाइक लेकर के वहाँ गए थे, इस पर चढ़ के देखते हैं। तुम लोग कभी आना तो ये कभी मत करना। ये देख रहे हो हम लोग चढ़ रहे हैं, कितने ऊपर तक जाते हैं देखते हैं। ये देखो अगर यहाँ से गिरे तो गए। ये देखो है ना जबरदस्त जगह, तो यहाँ से सब चीज दिखता है भाई, काफी हाइटेड है। इस टूटे हुए पेड़ पे हम लोग चढ़ गए, तो जबरदस्त पत्ता वत्ता सब गिरा हुआ। सिनेमैटिक शॉट के लिए ये जगह बहुत बहुत सही है भाई। छुट्टी वुट्टी मिले तो इस जगह पे आना फोटो शोटो लेने के लिए। ये देख रहे हो नीचे उतरते हैं, है ना जबरदस्त जगह। पेड़ देख लो कितना मोटा पेड़ है, देख रहे हो इतना मोटा पेड़ है कि इसमें आराम से हम छुप सकते हैं। पसीना सा हाल बुरा है भाई मेरा, पूरा पसीना पसीना हो गया। बट अगर ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ट्राइपॉड ले लिए तो हम लोग साथ में, क्योंकि ट्राइपॉड पर फोटो काफ़ी अच्छी आती है। ये देखो ये अपने ट्राइपॉड ले लिया था, तो साइबो S100 मेरा ट्राइपॉड का नाम है, क्योंकि प्रोफेशनल लोग उसको यूज़ कर जाते हैं। देख रहे हो ज़बरदस्त जगह भाई, ये पेड़ हमको लगता है कम से कम भी इस पेड़ का ना तो 4-3 साल हो चुका होगा पेड़ गिरे हुए, क्योंकि सब पेड़ में पेड़ निकल रहा। ज़बरदस्त जगह है। तो ढेर सारे फ़ोटो शोटो उठाने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं वापस घर के लिए। तो अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।